हेलो फ्रेंड्स, ये गुड़हल है। आप देख के ही समझ के होंगे हिबिस्कस। और आजकल इनमें बहुत फूल आ रहे हैं, है ना। लेकिन अभी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं कि हमारे फूल नहीं खिल रहे हैं, फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं। या हम नर्सरी से पौधा लेकर आए थे तब उसमें एक दो फूल खिले थे, उसके बाद फूल नहीं खिले हैं। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि गुड़हल में फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गुड़हल में फूल नहीं आने के चार पांच बहुत मुख्य कारण होते हैं। देखिए, ये गुड़हल में जो है खूब फूल आते हैं, और जिस भी फूल में हैवी फ्लावरिंग होती है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। उस एनर्जी को बार बार लाने के लिए उसमें बार बार आपको खाद डालना होता है। ज़्यादातर प्लांट उनको हैवी फीडर्स होते हैं, गार्डेनिया हुआ, इनमें आपको एवरी 15-20 डेज पे खाद डालनी ही पड़ती है। आप खाद डालना बंद करेंगे, उनकी एनर्जी लेवल डाउन होगा, उनमें फूल आने कम हो जाएंगे। ठीक है, एक तो कारण ये हुआ। दूसरा ये है कि कई बार ओवर फर्टिलाइजर से भी फूल आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट जो है शॉक में चला जाता है कि इतना ज़्यादा वो खाद की खपत कहाँ करे। ठीक है, तो खाद की मात्रा आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और खाद आप एवरी 15-20 डेज का अपना शेड्यूल बना लें, उसमें डालें। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फूल देने वाला और बहुत ही हैप्पी प्लांट है। एक बार लेते हैं आप, सालों साल चलता है। और आप जो भी खाद डाल रहे हैं उसको बदल बदल के डालें। जैसे एक बार आपने बनाना पील डाल दिया, नेक्स्ट टाइम बोन मील डाल दिया, उसके बाद आपने गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, फिर आप आ गए अपने बनाना पील पे। इस तरह से चेंज कर करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इस प्लांट को जो है पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच खाद चाहिए होती है, तो बेस्ट उसके लिए रहती है कि आप उसमें डालें बनाना पील फर्टिलाइज़र, है ना। बनाना पील फर्टिलाइज़र दो तीन तरह से डाल सकते हैं कि एक तो आप उसको लिक्विड बना के डाल सकते हैं, मैंने उसका वीडियो लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसका पाउडर सुखा के पाउडर बना के रख लें, और एक 12 इंच के गमले में 1.5-2 चम्मच बनाना पील काफ़ी होता है। साथ में ये प्लांट जो है ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप उसमें यूज्ड एंड वॉश्ड चाय की पत्ती आप उसमें डालेंगे, अच्छी तरह से धुली हो, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा रह गई तो प्लांट में चींटियाँ लग जाएंगी। अच्छे से धो के और उसको सुखा के आप वो भी रख लीजिए। जब आप खाद डाल रहे हैं तो 2-2 चम्मच वो भी डालते जाइए साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम होती है सनलाइट, ये बहुत, इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए ऐसे तो, है ना। लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से कम 5-6 घंटे की इसको सनलाइट मिलती रहे, तो इसमें खूब अच्छे फूल आते रहते हैं। सर्दियों में भी ऐसी जगह रखें जहाँ से अच्छे पूरे दिन की धूप मिले। ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें उसको रोशनी वगैरह तो मिलती ही रहेगी। नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या होता है कि पेड़ की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, है ना। उसकी देखिए क्या है, जैसे आप प्लांट लेकर आ गए, ठीक है, और अगर आपका प्लांट 2-3 साल से उसी गमले में लगा है, आपने कोई उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, उसकी पानी डाल डाल के मिट्टी भी कम हो गई है, तो प्लांट में तो फिर उर्वरकता से मिल ही नहीं रही ना, कहीं से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे, है ना। तो क्या है कि इसकी आपको गुड़ाई कर लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो गुड़ाई करें। गुड़ाई बाहर की तरफ से अंदर की तरफ करें, और कम से कम 1-1 इंच की तो आपको गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करके और उसको छोड़ दें थोड़ी देर, ताकि अंदर मिट्टी में एरिएशन हो जाए और मिट्टी अपने वापस उर्वरक तत्वों को हवा से और उससे ह्यूमिडिटी और वो जमी हुई जो मिट्टी होती है, जड़ें जम जाती हैं, वो सब इसकी खुल जाएंगी इस तरह से, है ना। अब बात करते हैं कि प्लांट की प्रूनिंग कब करनी है, कैसे करनी है। देखिए, एक साल से बड़ा आपका प्लांट है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं साल में 2 बार, ठीक है। एक बार तो ये कि जब फरवरी में जब मतलब बाहर का मौसम बसंत का मौसम आने वाला होता है, उससे फूल पत्तियाँ आती हैं, तो आपको कटिंग करनी ही पड़ेगी बिना करे, क्योंकि ओल्ड डालियों पे फूल नहीं आते। जब तक नई ग्रोथ होगी, नई ग्रोथ पे ही कलियाँ आएंगी, नई पे फूल आएंगे। तो नई कलियाँ लाने के, नई ब्रांचेस लाने के लिए, नई फूल खिलाने के लिए आपको पुरानी डालियाँ काटना पड़ेंगी। जब पुरानी कटेंगी तभी उसमें नई ग्रोथ होगी और उसके बाद उसमें फूल आने शुरू होंगे। तो एक कटिंग हो गई फरवरी मार्च में, दूसरी कटिंग कब होगी, बारिश के पहले। अगर अभी भी बारिश हो रही है, जिनकी नहीं हुई है वो अभी भी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपको बताई कि हार्ड प्रूनिंग, आप 1.5-2 साल से बड़े एज के पेड़ हैं तो आप उनकी कर दीजिए। अब जैसे ये मेरा छोटा पेड़ है, ये पेड़ तो मेरा पुराना है लेकिन है छोटा, है ना, तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकती, इसकी मुझे सॉफ्ट करनी है, मतलब छोटी छोटी सी मैं टिप्स में से इसको उड़ा दूँगी, ठीक है ना।
तो इसमें से जितनी भी ये नोड्स हैं इनमें से नई ब्रांचेस निकल आएंगी और नई ब्रांचेस में से फ्लावर्स आएंगे। गुड़हल के पेड़ पे नंबर 4 में है कि गुड़हल के पेड़ पे एक चीज़ बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर अटैक होता है मैलीबग का। मैलीबग एक वाइट वाइट रुई जैसा कीड़ा होता है, चिपचिपा सा, तो वो यहाँ यहाँ फूलों के इसमें लग जाता है ना। तो उससे बचने के लिए कि आपको रेगुलर एवरी 15 डेज पे नीम ऑयल और डिश वॉश एक एक चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और सारे प्लांट्स पे उस पर स्प्रे कर दीजिए, तो उससे क्या रहता है कि उनसे बचाव रहता है। लेकिन अगर कभी भूले भटके छूट गया और बहुत ज़्यादा आपका मैलीबग हो गया कि समझो डाल भर गई, तो भी आप काट के बहुत दूर फेंक दीजिए ताकि और कुछ दूसरे प्लांट्स में फैले नहीं। और अगर आपको लगता है कि उसमें काटने लायक जगह नहीं है तो भाई केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इमिडा क्लोप्रिट 2 ml लेकर और पूरे प्लांट पे आप स्प्रे करें। तो ये दो दो तीन तीन दिन छोड़ के आपको 3-4 बार करना पड़ेगा, जिससे कि अगर कहीं बच्चे कुछ अंडे वंडे हैं तो वो भी उनके ख़त्म हो जाएं, ठीक है। लेकिन हम तो आपको यही कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कीजिए, क्योंकि हम भी वही करते हैं और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में केमिकल्स पे आते हैं। अब नंबर 5 पे 3-4 चीज़ें आती हैं, वाटरिंग को लेकर है, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं कि प्लांट में एक तो ओवर वाटरिंग नहीं हो। इसके लिए क्या है कि इसकी सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल हो और इसको हल्की सी नमी चाहिए, मिट्टी में इसकी हल्की सी नमी बनी रहे, तो धूप में रहे प्लांट, पानी इसमें मिट्टी में थोड़ी सी हल्की सी नमी बनी रहे, है ना। ओवर वाटरिंग भी ना हो और अंडर वाटरिंग भी ना हो। ओवर वाटरिंग होगी तो इसकी रूट्स जलने लगे, मतलब गल जाएंगी और प्लांट मरने लगेगा। अंडर वाटरिंग होगी तो प्लांट ही सूखने लगेगा। दोनों चीज़ें होंगी ना, तो बेस्ट ये है कि आप इसको टच करके देखिए, अगर मिट्टी हाथ में लग रही है मतलब इसमें थोड़ी सी नमी है, है ना। अगर बिल्कुल सूखी निकल आई है तो फिर मिट्टी में आपको पानी डालना चाहिए। दूसरी चीज़ है फर्टिलाइज़र हमेशा बदल बदल के डालें और केमिकल्स का स्प्रे कम से कम करें, है ना। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने से भी प्लांट पे बहुत बुरा असर पड़ता है उनकी। और मिट्टी की निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हफ्ते में एक बार तो आपको गुड़ाई कर लेनी चाहिए। और जितने भी इसमें वीड निकल रहे हो वो निकालते रहें, क्योंकि क्या होता है आप जितनी भी खाद डालते हैं ना तो वीड्स प्लांट से ज़्यादा खाद का उपयोग करते हैं और वीड्स तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और बहुत भयंकर जंगली तरीके से बढ़ने लगते हैं, है ना। लेकिन जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वीड्स भी निकालते रहें और गुड़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि मिट्टी डंप हो जाती है, जम जाती है, तो रूट्स को बढ़ने की जगह ही नहीं मिलती, प्लांट की भी ग्रोथ नहीं होती। अभी ये 12 इंच के गमले में डालने के लिए मैंने 2 चम्मच बोन मील लिया है और ये 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है। इन दोनों को मिला के और इसके चारों तरफ मैंने देखिए रिंग बना ली है, इसमें डालती हूँ, ऐसे इसको डाल दीजिए, है ना, और मिट्टी से कवर कर दीजिए अच्छे से। और खाद डालने के बाद पानी हमेशा डालें, जिससे कि आपने जो खाद डाली है उसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको चीज़ें बताई, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी अपने गुड़हल के पेड़ पे खूब फूल ले सकते हैं। देखिए खूब कलियाँ लगी रहती हैं मेरे, इसमें तो भर के फूल आते हैं सभी में, और सभी पूछते रहते हैं क्यों आ रहे हैं फूल। अभी मैं क्या बताऊँ, इनको खाना देने के चक्कर में अपने ही खाना भूल जाती हूँ मैं। आई होप मेरे वीडियो को देखकर आप भी अपने प्लांट की इसी तरह से देखभाल कर पाएंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उनके उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।